कितना बड़ा है टाटा ग्रुप। हम आज जो नमक खाते या फिर जो कपड़े हम पहनते या फिर जो गाड़ियां हम चलाते, सब जगह टाटा मौजूद है। 1868 में जमशेदजी टाटा ने 21,000 रुपये के साथ इस कंपनी की स्थापना की थी। आज टाटा ग्रुप 150 साल पुराना हो चुका है और यही ग्रुप 150 से भी ज़्यादा देशों में आज मौजूद है। स्टॉक मार्केट में 29 सूचीबद्ध कंपनियाँ है और नॉन सूचीबद्ध कंपनियाँ भी बहुत सारी है। दिसंबर 2021 तक टाटा ग्रुप का मार्केट वैल्यू $314 बिलियन है। टाटा ग्रुप की पहली बड़ी और मुख्य कंपनी है टाटा मोटर्स। यह कंपनी कार और ट्रक समेत कई प्रकार के वाहन बनाती है। यह कंपनी यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रिया इन जैसे देशों में कारें बेचती है। टाटा मोटर्स 125 से भी ज़्यादा देशों में काम करती है। टाटा मोटर्स के पास 2008 से विश्व प्रसिद्ध लग्जरी ब्रांड जगुआर एंड लैंड रोवर ये ब्रांड भी अवेलेबल है। साउथ कोरिया में देऊ मोटर्स के साथ टाटा मोटर्स ट्रक बनाकर 60 से भी ज़्यादा देशों में यानी 60 से भी ज़्यादा देशों में ट्रक बेचती है। इस कंपनी के मार्केट वैल्यू 1,38,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। टाटा डेऊ मोटर्स के समूह में यानी टाटा मोटर्स में टाटा डेऊ, टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा हिस्पानो, टाटा हिताची जैसी कंस्ट्रक्शन मशीनरी भी काम करने वाली कंपनियां अवेलेबल है। अब एयरलाइन सेक्टर की बात करते हैं। इस साल के शुरुआत में टाटा समूह ने भारत सरकार से एयर इंडिया का अधिग्रहण किया, जिससे टाटा ग्रुप एयरलाइन उद्योग में प्रमुख खिलाड़ी बन गया। खरीद में 3 कंपनियां शामिल है जो टाटा ग्रुप में शामिल हुई, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट कंपनी। एयर इंडिया की शुरुआत टाटा ग्रुप ने 1932 में टाटा एयरलाइन के नाम से शुरू की थी। सार्वजनिक कंपनी होने के बाद टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया रखा गया। 1953 में सरकार ने टाटा एयरलाइंस का यानी एयर इंडिया का अधिग्रहण कर उसको सार्वजनिक या सरकारी कंपनी बना दिया। अब टाटा ग्रुप के पास एयर इंडिया के अलावा एयर एशिया नाम का भी एयरलाइन है। एयर इंडिया के अधिग्रहण के पहले से भी चालू था। एयर एशिया में टाटा ग्रुप की हिस्सेदारी 84% है। इसके अलावा विस्तारा एयरलाइंस भी टाटा ग्रुप में चालू की थी। इस विस्तारा एयरलाइन में टाटा ग्रुप की हिस्सेदारी 51% है। इसके अलावा टाटा ग्रुप ताज एयर के नाम से छोटी एयरलाइन कंपनी भी चलाती है। यानी एयरलाइन सेक्टर में टाटा ग्रुप की 4 कंपनियां हो गई। टाटा ग्रुप की अगली बड़ी कंपनी है टाटा केमिकल। यह भारत की सबसे बड़ी केमिकल कंपनियों में से एक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, लेकिन कंपनी भारत, यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में काम करती है। टाटा केमिकल रैलिस इंडिया नाम की एक बड़ी केमिकल जो इंडियन कंपनी है उसकी मालिक है। रैलिस इंडिया कंपनी एग्रो फर्टिलाइजर में काम करती है। टाटा ग्रुप की चौथी बड़ी कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। इस कंपनी की स्थापना 1964 में हुई थी। 1964 में टाटा टी, 1979 में टाटा सॉल्ट ये ब्रांड लॉन्च किए गए। इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह दुनिया की दूसरे नंबर की चाय पाउडर बनाने और बेचने वाली कंपनी है। चाय में इनके पास टेटली, टाटा टी, विटेक्स, गुड अर्थ जैसे ब्रांड अवेलेबल है जो वर्ल्ड फेमस ब्रांड है। कॉफी में इनके पास कॉफी ग्रैंड, सोनेट्स, एटोक्लॉक, लागर जैसे फेमस ब्रांड शामिल है। खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ में भी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के यानी टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट अवेलेबल है। वर्ल्ड फेमस स्टारबक्स कैफे में भी इनकी हिस्सेदारी है। इनके हिस्सेदारी के साथ भारत में स्टारबक्स कैफे चालू किए गए हैं। टाटा ग्रुप की चौथी बड़ी कंपनी है वोल्टास। इस कंपनी की स्थापना 1954 में टाटा सन्स और वोल्कार्ट ब्रदर्स के साझेदारी के साथ हुई थी। यह टाटा की घरेलू उपकरण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक बनाने वाली कंपनी है जो इस तरह के वो प्रोडक्ट बनाती है जो एसी, एयर कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वाटर फिल्टर जैसे प्रोडक्ट बनाती है। 2021 तक इस कंपनी का एसी मार्केट में 25% का कब्जा था। इस कंपनी में टाटा की हिस्सेदारी 60% है। ये कंपनी भारत, सिंगापुर, यूएई, कतार, ओमान जैसे देशों में काम करती है। टाटा ग्रुप की अगली बड़ी कंपनी है टाइटन। टाटा ग्रुप और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने मिलाकर यानी टिडको ने मिलाकर 1984 में यह कंपनी बनाई थी। इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां बनाने से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। आज यह कंपनी ज्वेलरी, आईवेयर, परफ्यूम, साड़ी तक ये उत्पादन करते हैं। टाइटन की ब्रांड की जानकारी आप लेते हैं। भारत के 60% घड़ी बाजार पर टाइटन का कब्जा है। फेवर लूबा यह स्विट्जरलैंड का बड़ा लग्जरी घड़ी बनाने वाला ब्रांड टाइटन के पास है। मिड रेंज में उनके पास फास्ट ट्रैक सोनाटा भी ब्रांड है। ज्वेलरी में टाटा के पास जोया ये लग्जरी ब्रांड है। मिड रेंज में उनके पास तनिष्क ये ब्रांड अवेलेबल है जो ज्वेलरी स्टोर है।
और ऑनलाइन सेक्शन में कैरे लेटेन यह ब्रांड अवेलेबल है। आईवेयर यानी गॉगल्स में इनके पास टाइटन आई प्लस, ग्लेयर और फास्ट ट्रैक जैसे ब्रांड अवेलेबल है। परफ्यूम सेक्शन में टाइटन के पास स्किन एंड फास्ट ट्रैक ये ब्रांड अवेलेबल है। तनेरा नाम से टाइटन ने अपना साड़ी ब्रांड भी लॉन्च किया है। 6 शहरों में इनके 14 स्टोर अवेलेबल है। टाटा ग्रुप की 7वीं बड़ी कंपनी है ट्रेंड, जो टाटा रिटेल एंटरप्राइजेस का शॉर्ट फॉर्म है। टाटा ने अपने हिस्से की लैक्मे की 50% की हिस्सेदारी हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेचकर 200 करोड़ रुपए कमाए और वो 200 करोड़ रुपए लगाकर 1998 में यानी 1998 में ट्रेंड कंपनी की स्थापना की। ट्रेंड आज देश भर में विभिन्न प्रोडक्ट के 400 से भी ज़्यादा स्टोर देश भर में चलाता है। ट्रेंड के पास कई फेमस ब्रांड है, जिसमें पहला ब्रांड है वेस्टसाइड। यह फेमस रिटेल सेक्शन का ब्रांडेड फैशन और फुटवेयर स्टोर है। ट्रेंड का दूसरा ब्रांड है जूडियो। यह कंपनी जूतों और कपड़ों का ब्रांडेड स्टोर है। ट्रेंड का तीसरा ब्रांड है स्टार मार्केट। यह किराना सामान बेचने वाला स्टोर है। 7 शहरों में इसके 60 स्टोर है। ट्रेंड का चौथा ब्रांड है लैंडमार्क। यह 2005 में टाटा ने खरीदा था। यह स्टोर में खिलौने, किताबें, स्टेशनरी और खेल सामग्री मिलती है। इसके अलावा ट्रेंड के पास टाटा ग्रुप के पास लग्जरी ब्रांड स्टोर जारा यह भी अवेलेबल है। टाटा ग्रुप की अगली बड़ी कंपनी है टाटा स्टील। इसकी स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा ने की थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड में इस कंपनी ने अच्छी तरीके से स्टील सप्लाई किया था, जिससे यह कंपनी बहुत बड़ी बन गई। आज टाटा स्टील सालाना 34 मिलियन टन स्टील का उत्पादन करती है और 26 से ज़्यादा देशों में यह कंपनी काम करती है। टाटा ग्रुप में इस कंपनी का कमाई का हिस्सा 40% से भी ज़्यादा है। टाटा ग्रुप की अगली बड़ी कंपनी है TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। यह एक IT कंपनी है। यह भारत की सबसे बड़ी दूसरी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 1968 में हुई थी। 2022 में इस कंपनी का मुनाफा 1,92,000 करोड़ का है। इस कंपनी में टाटा ग्रुप की हिस्सेदारी 73% है। टाटा ग्रुप की अगली बड़ी कंपनी है टाटा एलेक्सी। यह टाटा की सबसे भविष्यवादी कंपनी है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड सिस्टम, सॉफ्टवेयर इन जैसे अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना है। आज यह कंपनी ऑटोमेटिव, मीडिया, ब्रॉडकास्ट, हेल्थ जैसे क्षेत्र में काम करती है। 2022 में इसका मुनाफा 2500 करोड़ था। इस कंपनी में टाटा ग्रुप की हिस्सेदारी 45% से भी ज़्यादा है। टाटा ग्रुप की अगली बड़ी कंपनी है टाटा कैपिटल, जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती है। यह नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इंश्योरेंस सेक्टर में टाटा ग्रुप की भागीदारी AIA और AIG ग्रुप के साथ है, जिससे दो कंपनियां बनी, टाटा AIG लाइफ और टाटा AIG इंश्योरेंस। ये दो कंपनियां है। टाटा एसेट मैनेजमेंट नाम से भी टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, जो म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में काम करती है। ट्रैवल और टूरिज्म क्षेत्र में भी टाटा कंपनी काम करती है, जिसकी बड़ी कंपनी है इंडियन होटल कंपनी। इस कंपनी के बहुत सारे ब्रांड है, जिसमें ताज होटल्स, विवांता, जिंजर ये 3 बड़े ब्रांड है। इनके देश भर में और दुनिया भर में बड़े बड़े होटल्स है और रिजॉर्ट भी है। डिजिटल क्षेत्र में टाटा भी काम करता है। इस क्षेत्र में टाटा की बड़ी 4 कंपनियां हैं। बिग बास्केट जो किराना सामान बेचता है, टाटा 1MG जो मेडिकल दवाएं बेचता है, टाटा न्यू ऑनलाइन स्टोर है और इन्फिनिटी रिटेल जो क्रोमा स्टोर आप देखते हैं बड़े बड़े शहरों में, ये टाटा ग्रुप के इन्फिनिटी रिटेल कंपनी का ही है। टेलीकॉम और मीडिया क्षेत्र में भी टाटा ग्रुप काम करता है। इसकी कंपनियां हैं टाटा कम्युनिकेशन, टाटा स्काई, टाटा टेली सर्विसेज। दुनिया की 70 से भी ज़्यादा कंपनियां टाटा कम्युनिकेशंस के नेटवर्क का इस्तेमाल करती है। दुनिया के 25% से भी ज़्यादा इंटरनेट रूट टाटा कम्युनिकेशन के नेटवर्क पर चलते हैं। जो समंदर के नीचे से फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क चलता है, वो टाटा कम्युनिकेशन ही ज़्यादा तरीके से दुनिया भर में बिछाता है। टाटा कम्युनिकेशन दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन फाइबर नेटवर्क कंपनी की भी मालिक है। यानी समंदर के नीचे जो इंटरनेट सर्विसेज का जो फाइबर ऑप्टिक बिछाने का काम है, यह फाइबर सबमरीन कंपनी काम करती है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सेक्शन में भी टाटा ग्रुप बहुत जोरों से काम करता है। एरोस्पेस और सिक्योरिटी में भी यानी नेशनल सिक्योरिटी में भी टाटा ग्रुप काम करने लगा है। एयरबस के साथ जो अमेरिका की कंपनी, इसके साथ भी टाटा ग्रुप ने एक कंपनी बनाई है। टाटा ग्रुप रिसर्च और एजुकेशन में भी काम करता है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन सोशल साइंस, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा कैंसर हॉस्पिटल, इन जैसे हॉस्पिटल और सोशल सर्विसेज भी टाटा ग्रुप करता है। गरीबों को मदद करना, जो बिजनेस से हुआ कमाया पैसा है उससे गरीबों को मदद करना, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट को बनाना जिससे रिसर्च होकर
बीमारियों के लड़ने के विभिन्न प्रोडक्ट बनाए जाए, इसमें भी टाटा ग्रुप काम करता है। तो इस तरीके से मैंने आपको टाटा ग्रुप की सारी जानकारी दी है। टाटा ग्रुप की मुख्य कंपनियां, उनकी सब कंपनियां, उनके बड़े बड़े ब्रांड, जो शेयर मार्केट में सूचीबद्ध कंपनियां है, वो सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में भी ज़रूर बताइए। हो सके तो इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर भी शेयर कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पर और भी बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो अवेलेबल है, सारे वीडियो देखिए। ये वीडियो देखने के बाद अगर लगे आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।